Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Aisha Joshi, and you are watching me on the channel for TYS. So here it is 21st of October 2020 and let's take today's the Hindu news analysis. The first news is based on virus and PM's address. Basically, PM Narendra Modi has been addressed on Tuesday. In his address, he asked citizens not to lower their guards in the fight against novel coronavirus. During the festive season, as the virus is still around, even though restrictions have been eased. This is not the time to get careless or believe that corona has been gone or it is not that there is no threat for it. Now, in recent days, we have seen many pictures and videos where people are either lax or stopped being careful. So ultimately we can say that PM Narendra Modi ji ne hamari janta ko aam janta ko sambodhit karte hue nation ko address karte hue bataya ki jis tarike ki condition chal rahi hai jis tarah ke videos aur jo halaat dekhe ja rahe hain log covid-19 ko lekar bahut hi lapravah ho gaye hain lekin hame lapravah nahi hona hai maan lijiye kisi bhi festive season ko dekhte hue koi agar lockdown ya strict jo hai niyam kaide kanun lagu nahi bhi hote hain to uske bawajood bhi you need to understand that covid-19 is not been gone. It is still in the air and we need to be aware, we need to be secure regarding all these things. Okay, with the efforts of every Indian, agar har koi bhartiya apne prayas lagata hai pichle 7-8 mahine mein jo prayas humne lagaye hain उसी के चलते आज ये कंडीशन है कि हम सुरक्षित हैं, काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं. अब हमें इस सिचुएशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, इसे और बिगड़ने नहीं देना है. सो दे ऑल्सो गिव द स्लोगन दैट इज़ जब तक दवाई नहीं तब तक बिल्कुल ढिलाई नहीं. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट एंड इट विल बी द सेवेंथ एड्रेस. इट वॉज द सेवेंथ एड्रेस ऑफ द टू द सिटीजन्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक. पेंडेमिक के दौर शुरू होने के बाद, पेंडेमिक के आने के बाद, कोविड-19 के बाद ये उनका सातवां जो है संबोधन था देश के लिए. एंड इन दिस दे सेड दैट द होल वर्ल्ड वॉज वर्किंग ऑन अ वॉर फुटिंग टू फाइंड अ वैक्सीन. पूरा विश्व अपने स्तर पर पूरे एडी से चोटी तक का जोड़ लगा रहा है किसके लिए, वैक्सीन फाइंड आउट करने के लिए. सो अल्टीमेटली जिस तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह के एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, वी कैन से दैट वी विल डेफिनेटली गेट वैक्सीन एज सून एज पॉसिबल. ओके, सो बी अवेयर, बी सेफ एंड बी एट होम. द नेक्स्ट न्यूज इज बेस्ड ऑन हैकलर्स वीटो. व्हाट इट इज, फिल्म्स कैन बी सब्जेक्टेड टू क्रिटिसिज्म आफ्टर देयर रिलीज बट नॉट स्टैमाइड बिफोर दे आर मेड. पिक्चर्स जनरली ये देखी जाती है रिलीज होने के बाद कॉन्ट्रोवर्सी में आती है, लेकिन उसके बनने से पहले ही, उसके बाहर आने से पहले ही उसका जो है उसका विरोध प्रदर्शन होना, उसका उसके खिलाफ क्रिटिसाइज होना, उसका उसके खिलाफ नारेबाजी होना और कई सारा स्टेप्स लेना उसके खिलाफ, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये बड़ा आश्चर्यजनक कर देने वाली कंडीशन है. आपको पता है कि तमिल और जो श्रीलंका है उसके बीच में काफ़ी लंबे समय तक सिविल वॉर चला था, है ना, तो दोनों के बीच में काफ़ी इश्यूज चलते आए हैं, तमिल कम्युनिटी और श्रीलंका की तमिल कम्युनिटी और श्रीलंका के लोगों के बीच में काफ़ी वॉर चलते आया है. और श्रीलंका और तमिल के बीच का जो ये सिविल वॉर है ये कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है आज के दिन में, जब विजय सेठुपति जो कि एक फिल्म स्टार हैं उन्होंने तमिल जो श्रीलंकन बॉलिंग लेजेंड जो है मुत्तैया मुरलीधरन, उनके ऊपर जब मूवी बनाई गई, बायोपिक की बात की गई और उस पिक के तहत, उस बायोपिक के तहत उनके रोल को उन्होंने पिक कर लिया, उनके रोल को करने के लिए वो एक्सेप्ट कर चुके थे अपना, तो तमिल फिल्म स्टार होने के नाते उन्हें काफ़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ा. ओपोनेंट स्पेशली तमिल फिल्म इंडस्ट्री या पॉलिटिकल पार्टीज ले लो आप तमिल का, सभी लोगों ने इसके खिलाफ काफ़ी हद तक आवाज़ उठाई. ओके, बाय नॉट रेजिंग हिज वॉइस अगेंस्ट द श्रीलंकन स्टेट एंड वॉर्न द एक्टर, इवन एक्टर को ये भी वॉर्न किया गया कि वो जो है अपने इस कैरेक्टर को प्ले नहीं करेंगे, दैट ही वुड ओनली जियोपर्डाइज दिस हिज करियर एंड एलानाइट हिज फैन फॉलोइंग. उनसे ये कहा गया, उनको ये धमकी दी गई कि इस तरह अगर ये मूवी वो करते हैं तो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू यू नो लीव देयर और अल्टीमेटली दे विल नेवर बी पार्ट ऑफ तमिल
फिल्म इंडस्ट्री एंड काफ़ी इवन उन्हें जो है उन्हें मर्डर की धमकी भी दी गई है, काफ़ी न्यूज़ में देखा गया इन दिनों। सो अल्टीमेटली सेतुपति को जो है काफ़ी पॉइंट आउट किया गया है, उन्हें इस पर्टिकुलर जो रोल है इसको प्ले करने के से रोका गया है और इवन मूवी के रिलीज़ होने से पहले ये सारी चीज़ें घटित हो चुकी हैं। अल्टीमेटली विजय सेतुपति ने इस रोल को जो है बिल्कुल ड्रॉप भी कर दिया है। एक्सपोनेंट्स ऑफ आर्ट बीइंग क्राउड एंड क्राउड डाउन बाय प्रोटेस्ट इज नॉट न्यू टू तमिलनाडु, रियल प्रॉब्लम इन द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर इंटॉलरेंस प्रिवलिंग ओवर आर्टिस्टिक एडवेंचर्स इज एट दैट एन ओल्ड कैस्टनट इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट सी मद्रास कैफे भी इससे पहले मूवी हुई है जो काफ़ी न्यूज़ में रही है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी न्यूज़, देखिए अल्टीमेटली श्रीलंका एंड जो तमिल के रिलेशन है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे हुआ करते थे एक टाइम पे, लेकिन आफ्टर द सिविल वॉर द कंडीशंस आर गोइंग वर्स्ट वर्स्ट एंड वर्स्ट। नाउ दीज डेज श्रीलंका और तमिलनाडु का आपस में किसी तरीके का कोई मेल जोल नहीं है और ना ही वो तमिलनाडु के अंदर अगर तमिलनाडु के इन बॉलर जो है जो बहुत फेमस बॉलर है उनके ऊपर अगर मूवी मुतैया के ऊपर बॉलिंग लेजेंड के तहत अगर कोई मूवी बनाई जाती है तो अल्टीमेटली उस मूवी के अंदर उस समय के तमिलनाडु और श्रीलंका के जो कंडीशंस है पॉलिटिकल कंडीशंस और सिविल कंडीशंस उनको दर्शाया जाएगा, जिसको लेकर तमिलनाडु की जनता, तमिलनाडु के पॉलिटिकल लीडर्स, तमिलनाडु के लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं है। ओके So it is all about it and nothing prevents any detractor from questioning the film's motive and content after its release. It is unfortunate that the heckler's veto has prevailed. Ultimately, there is no reason to run down his monumental achievement in his chosen sport. Okay, so it is all about it. Now let's take the next one. The next is the Trump for of hope. Basically, inclusive politics and decisive governance won another term for Ardern in New Zealand. New Zealand mein Jacinda Ardern jo hai was expected to win Saturday's parliamentary election in New Zealand, and given that almost all opinion polls had predicted this for the 40 years old global liberal icon, now noted for her inclusive politics, tough handling of the coronavirus pandemic. आपको पता है जैकिंडा एडन काफ़ी मतलब चर्चित हैं इन दिनों, काफ़ी न्यूज़ में है। सैटरडे को पार्लियामेंट्री इलेक्शन न्यूजीलैंड के उन्होंने जीत लिए हैं और उनकी ये जीत वो बना पाई है अपने नोवल कोरोना वायरस को हैंडल करने या जो उस टफ सिचुएशन को हैंडल करने के संदर्भ के कारण, इस कला के कारण बेसिकली। बट इट वॉज द मार्जिन ऑफ द विक्ट्री दैट सरप्राइज मैनी, उनका और उनके अपोजिशन के बीच जो फासला था, उनके बीच जो डिफरेंस रहा है विक्ट्री का, उसको देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाने वाली बात है। हर सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी वॉन 49.1 ऑफ द परसेंट ऑफ द पॉपुलर वोट एंड इज प्रोजेक्टेड टू टेक 64 सीट्स इन दी 120 मेंबर पार्लियामेंट्स। 120 मेंबर पार्लियामेंट्स की सीट्स में से 64 सीट्स इन्होंने अपने हिस्से में ली है, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं देखिए 120 में 60 सीट्स हाफ हैज बीन द सीट्स हो जाती है एंड इन बिटवीन दैट 4 सीट्स और करना, मतलब बहुत कम दूरी के फासले में इन्होंने जीत हासिल की है। तो लेबर पार्टी की अपने आप में इतनी बड़ी जीत पिछले 50 सालों में कभी नहीं देखी गई है। इट इज़ सच अ वेरी बिग विक्ट्री ऑफ एनी पार्टी सिंस द नेशन अडॉप्टेड अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग सिस्टम को अडॉप्ट की जिन जिन नेशंस ने किया है उसके अंदर आज तक की सबसे बड़ी विक्ट्री जो है इस संदर्भ में देखी गई है, जैकिंडा आर्डर्न के संदर्भ में। इसके अंदर सीट्स जो है किसी भी पार्टी को विनिंग के लिए 5% ज़्यादा वोट्स देती है। 1996 में ये जो है असेंबली सीट्स डिसाइड की गई थी। द अपोजिशन सेंटर राइट नेशनल पार्टी वॉन 26.8% ऑफ द वोट एंड इज प्रोजेक्टेड टू टेक 35 सीट्स डाउन फ्रॉम द 56 सीट्स इट वॉन इन द प्रीवियस इलेक्शन। एडम्स who came to power in 2017 by forming a coalition and with the Greens and Nationalist New Zealand First Party faced unprecedented
or unprecedented challenges in her first term. From the Christchurch terrorist attack and the White Island volcanic eruption to the COVID-19 outbreak, she herself has turned the polls into a de facto referendum on her government's handling of pandemic by calling it the COVID election. उन्होंने ये बताया कि उन्होंने गवर्नमेंट को हैंडल करने की जो कंडीशन है और उन्होंने कोविड इलेक्शंस जो है उसके तौर पे इसे पेश किया अपनी जीत को. और मैं आपको ये भी बता दूं कि इलेक्शन से जस्ट पहले उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगा करके और जैकिंडा एर्डन और उनकी पार्टी ने काफ़ी हद तक न्यूजीलैंड के अंदर कोविड-19 का जो प्रकोप है या हम कह सकते हैं उसका जो स्प्रेड है या उसका जो टेरर है दिख रहा था उसे रिमूव किया था. आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि विश्व स्तर पे सबसे कम पेंडेमिक डेथ्स जो रिकॉर्ड की गई है वो न्यूजीलैंड में की गई है. इट इज़ ओनली 25 एंड समवेयर ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी जीत है. आई कैन से इस पॉलिटिकल पार्टी की जीत से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनका कोविड-19 की ये जीत, जिसके अंदर उन्होंने अपने आप को ये प्रूव किया कि एक्चुअली 25 डेथ केसेस होते से पहले ही उन्होंने लॉकडाउन इम्पोज कर दिया और ये कंडीशन पे लाके न्यूजीलैंड को खड़ा कर दिया कि कुछ भी कंडीशन हो जाए, कोई सिचुएशन हो जाए, वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक एनी रूल और रेगुलेशन. वी आर गोइंग टू टेक इम्पॉर्टेंट एक्शंस, वी आर गोइंग टू टेक एवरी इंडिविजुअल पार्ट ऑफ आर लाइफ एंड वी आर गोइंग टू बी अवेयर एंड बी सेफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन और पेंडेमिक. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस. लोएस्ट फर्टिलिटी को हैंडल करते हुए कंट्री में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्पोज करते हुए कंडीशंस को अपने अपने फेवर में लाया गया और ऐसी कंडीशन लेकर आई कि वहाँ पे फिर से नॉर्मलसी दिखाई दी पहले के कंपैरिजन में. अगर हम बात करें कोविड-19 की सिचुएशन और अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अगर बात करें तो उस समय जो है जैकिंडा एर्डन के जो एफर्ट्स हैं उनके बेसिस पर कंट्री में न्यूजीलैंड के अंदर मिनिमम लेवल ऑफ डेथ केसेस और फैटर्निटी रेस के डेथ केसेस जो है देखे गए थे. सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट इट इज़ अ वेरी बिग और आई कैन से वेरी वेरी बिग विक्ट्री ऑफ इट एंड हु मेक्स मिस एडम्स विक्ट्री सिग्निफिकेंट इन दैट हर ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स सोशली लिबरल एंड इकोनॉमिकली इंक्लूसिव एज वेल एज पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक. ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. मिस एडम्स की विक्ट्री के लिए सिग्निफिकेंट मतलब कोई भी पॉलिटिक्स जिसके अंदर ब्रांड क्रिएट करनी है या उससे रिलेटेड अगर आपको कहते हैं विक्ट्री शो करनी है तो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी. सोशली लिबरल एज वेल एज इकोनॉमिकली इंक्लूसिव एंड पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक. इट इज़ समवेयर द फंडा ऑफ अ गुड गवर्नेंस. ओके, और आई कैन से अ ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स. सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. द नेक्स्ट इज ऑफसेट डिल्यूजन इन डिफेंस अ फ्लोड पॉलिसी टर्न. एज एन एपिसोड इन इंडियाज एरोस्पेस इंडस्ट्री शोज इट कैन सक्सीड इफ इट इज़ डिज़ाइंड एंड एग्जीक्यूटेड करेक्टली. अगर इसे डिज़ाइन और एग्जीक्यूट करेक्टली किया जाता है तो एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है वो इंडिया की वो एक नया शो क्रिएट कर सकती है अपने आप में. अब हम बात करेंगे ऑफसेट पॉलिसी की. बेसिकली ऑफसेट पॉलिसी है क्या, डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी जो है वो क्या है. इंडिया हैज़ अ पेक्यूलियर डिफेंस सिनेरियो एज अ कंट्री हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस स्ट्रक्चर. हमारे पास में वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड एट द सेम टाइम इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस इम्पोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे बड़े हम लोग लार्जेस्ट डिफेंस इम्पोर्टर्स भी हैं. टू ओवरकम द वेरियस हर्डल्स ऑफ डिफेंस सेक्टर डेवलपमेंट, डिफेंस सेक्टर के डेवलपमेंट से रिलेटेड वेरियस हर्डल्स ओवरकम करने के लिए इंक्लूडिंग मेजर्स टू ओवरकम इम्पोर्ट डिपेंडेंसी. इम्पोर्ट की जो डिपेंडेंसी है हमारी दूसरों के ऊपर उनसे भी ओवरकम करने के लिए इवन गवर्नमेंट ने जो है देखिए बेसिकली इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए और जो वेरियस हर्डल्स डिफेंस सेक्टर में हमें देखने को मिल रहे हैं डेवलपमेंट के अंदर उन सबको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सेवरल मेजर्स इंक्लूड किए हैं. कुछ सेवरल मेजर्स को हमारे सामने प्रेजेंट किया है जिसके अंदर डिफेंस एफडीआई
Promotion of private sector participation is also here. Now, a major policy thrust is in this direction is the defense offset policy. अब सबसे ज़्यादा अगर requirement है इस तरह की hurdles को और इस तरह की import dependency को overcome करने का, तो उसका एक सबसे अच्छी policy और सबसे बड़ा direction जो है वो है defense offset policy, which is expected to become a chief instrument for India to develop its indigenous defense manufacturing sector. अपने defense manufacturing sector को develop करने के लिए India के लिए एक बहुत ही chief instrument या बहुत ही important instrument के तौर पर साबित हुआ है defense offset policy. Offset is in literary sense it is a factor that counterbalance and or compensates an act. In the defense procurement context, it is an element of compensation made by the manufacturer that mostly takes place in the form of placing a minimum percent of value addition in the ordering country. So it is all about defense offset policy. Hope you all get it. Now in this particular article, offset ties up the ends has been discussed. A number of changes after offset and before offset is discussed here, as well as the setback for defense and short-lived in aerospace has been discussed, and adding self-reliance, that is the most important reportedly because of the CAG's critical remarks in its latest report tablet in the parliament. The government has virtually scrapped the defense offset policy. Government ne virtually defense offset policy ko scrap out kar diya hai, and the reason was CAG's critical remarks. So ultimately CAG ke jo remark hai, CAG ka jo hum keh sakte hain, recently the government diluted the offset policy in defense procurement reportedly in response to a comptroller and auditor general, that is CAG of India's report tablet in parliament last month. Many contend that the move is a setback of augmenting domestic capability or for realizing the goal of Atmanirbhar Bharat. But why it is a setback for the goals under Atmanirbhar Bharat? The experience with the procurement or procedure in the aerospace industry since 2005 seems to offer useful lessons in redesigning the defense offset. So what it is expected to boost domestic capabilities, and what lessons can we draw from a similar system in the aerospace industry, as well as these questions are addressed now in this particular section. You can read out the article. You will get that every individual aspect of defense policy, offset policy, what is defense and what is delusion of offset, how it will affect the defense system, and what is the flawed policy turn. So everything will be discussed in this particular article. You should go for it. Okay, the next article here, it is based on the many bright spots on India's innovation horizon. Recognizing the potential, the government is putting in place a framework of collaboration, facilitation and regulation. Innovation rearranges existing element into permutation and combination that benefit society. In his Brahmaputra Siddhant, Brahmagupta's marvelous take to the innovation of zero was a debt minus zero is a debt. A fortune minus zero is a fortune. A debt subtracted from zero is a fortune. Okay, it will take some time to understand this particular article, but it is totally based on education, finance and culture. It is totally based on the bright spots of India's innovation horizon. And what are these? What is the potential of us? The government is putting in place a framework of collaboration, facilitation and regulation. So what will be the incentives? What are the startup disruptions? What is the realistic potential of us? What is the realistic potential of India and its government? What is the technological aid of us? And where we can go through the technological development? And what will be the better life for us? Everything has been discussed here. It is the topic of science and technology, and you should go for it because it is very interesting and it can take a good or major part of your examination. Okay.
So it is all about it. Everything has been discussed in today's newspaper. Hope you got everything. And individually, agar koi article reh jata hai, aapko lagta hai, we should discuss, we should know about that particular article, you just tell me. We will definitely go through that article and we will discuss. Even if you have any topic in your mind that you know, want to discuss, that you want to know about, you should write it in your comment section. I will definitely go through it and you will get your reply. Okay, thanks for watching. Bye bye. Take care. Have a great time ahead. Take care.